हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ वो हमारा नेक्स्ट पेज है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और उससे नीट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं, एमसीक्यूज। तो ये वाला करते हैं टॉपिक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ये बताया गया है कि अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। यानी जब एनिमल किंगडम को देखा गया तो बहुत सारे वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिले, जिसमें से उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इनवर्टिब्रेट्स के पास सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं और जो वर्टिब्रेट है उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जिन्हें किडनी का नाम दे दिया गया। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, मेंशन किए हैं, तो ये हमें लर्न करने ही करने हैं। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल, ये कहाँ मिलता है, ये किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, प्लेटीहेलमिंथिस जो है जिसे फ्लैटवर्म भी कहा जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, दूसरा एग्जाम्पल टेपवर्म है, उसके ये जो है स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, तो आप इसे लर्न कर लेंगे। और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है या फ्लेम सेल है, ये रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स का और सिफेलोकॉर्डेट्स का भी है। सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जांपल है एम्फियोक्सिस, आप अभी एनिमल किंगडम में पढ़ चुके होंगे। जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो प्राइमरी कंसर्न होता है ऑस्मोरेगुलेशन का। ध्यान रखेंगे एक्सक्रीटरी इसका मेन फंक्शन नहीं है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन। अब आते हैं नेफ्रीडिया जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थफॉर्म का और कुछ और अदर एनिलिड्स का। नेफ्रीडिया जो है तीन तरीके के होते हैं, मैंने आपको फेरिंजियल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया। तो इसी तरीके से जो नेफ्रीडिया है ये नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करता है, यानी एक्सक्रीशन का काम भी करता है और मेंटेन करता है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को भी। फिर आता है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ये जो है इंसेक्ट्स में होता है और इंसेक्ट कहाँ होते हैं, ऑर्थोपोडा में। तो ये जो है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि उनमें से एक है हमारा कॉकरोच। मेलपीजियन ट्यूब्यूल हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में। और अब आता है एंटीनल ग्लैंड, जिसे ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, ये एक्सक्रीटी फंक्शन है, ये एक्सक्रीटी स्ट्रक्चर है क्रस्टिशियंस का, जो जिनमें कि इंपॉर्टेंट है प्रॉन। ये प्रॉन जो है एक्यूटिक ऑर्थोपॉड भी ऑर्थोपॉड है, यानी ये भी ऑर्थोपॉड का है। ऑर्थोपॉड के हमने दो देखे, मेलफीजन ट्यूब्यूल भी देखा, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड भी देखा। तो ये हमने एक पैराग्राफ और कर लिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देखते हैं, अब हम लोग इस पैराग्राफ का फ्लो चार्ट देख लेते हैं जल्दी से कि कैसे हम इसे बनाएंगे और कैसे हम इसे लर्न करेंगे। तो जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल किंगडम के, वो कैसे किस कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्या बताया था उन्होंने, इनवर्टिब्रेट्स जो जिसमें क्या होते हैं, सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स होते हैं, और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जिन्हें कि किडनीज का नाम दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स में हैं। एनसीईआरटी को पूरा हम इंक्लूड करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें नहीं दी हैं, वो अलग अलग जगह पर दी हैं, वो मैंने यहाँ पर कर लिया है, एनसीईआरटी की ही हैं। जैसे स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, इनमें एक्सक्रीशन होता है जनरल बॉडी के थ्रू, ठीक है डिफ्यूजन के थ्रू जनरल बॉडी के सर्फेस से होता है। दूसरा हम देखते हैं कि प्लेटीहेलमिंथिस, जैसा कि बुक में दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म बोला जाता है इसमें, टेपफॉर्म आता है, प्लेनेरिया आता है, ठीक है, रोटिफर्स, कुछ एनिलिड्स भी हैं और सिफेलोकॉर्डेट जिसमें एम्फियोक्सिस आता है। ये सारे के सारे इनके पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, जिसे फ्लेम सेल भी बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे ये एक्सक्रीशन में इसका मेन फंक्शन नहीं है, इसका जो मेन फंक्शन है वो किसमें है, ऑस्मोरेगुलेशन में। इसे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटोनेफ्रीडिया प्राइमरली कंसर्न विद द ऑस्मोरेगुलेशन और आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेफ्रीडिया या एनिलिड्स में क्या होता है। तो ये जो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया किस में पाया जाता है, तीन तरीके के नेफ्रीडिया अर्थफॉर्म में पाए जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स जो हैं उनमें क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। और ये किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन यानी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड ऑस्मो, इसी के थ्रू होता है नेफ्रीडिया का। सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरिंजियल नेफ्रीडिया ये होते हैं, एंड ऑस्मोरेगुलेशन ये आयनिक और फ्लूइड बैलेंस को बॉडी ब्लड यानी ब्लड में मेंटेन करता है। फिर हम देखते हैं मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आप अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जितने जो आपके इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स द एक्सक्रीशन थ्रू, और ये किससे होता है। तो अब हम लोग देखते हैं मेलफीजन ट्यूब्यूल। मेलफीजन ट्यूब्यूल मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि कॉकरोच, ये ऑर्थोपोडा है, फाइलम कौन सा है, ऑर्थोपोडा। ये दोनों ही काम करता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का, हम पढ़ चुके हैं। ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड किस में पाई जाती है, क्रस्टेशियन में पाई जाती है। क्रस्टेशियन का कौन है एग्जाम्पल, प्रॉन, और ये एक्वेटिक ऑर्थोपोड है, यानी ऑर्थोपोड जो कि पानी में रहते हैं, दैट इज प्रॉन। किडनी सारे वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है और इसका मेन फंक्शन है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो इस तरीके से हमने पूरा एक पैराग्राफ कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में क्या है, ब्लड लिविंग लिवर गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट इज रिच इन यूरिया। क्यों, क्योंकि लिवर में ही यूरिया बन रहा है अमोनिया से इन मैमल्स। यूरिन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन किडनी में कॉन्सेंट्रेट होती है। द एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्ट्रीशन। मिक्ट्रीशन भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चिक जो है, जो कि बर्ड की कैटेगरी का है, एक्सक्रीट द सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका आंसर आपका यूरिक एसिड ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑस्मो रेगुलेटर एज वेल एज नाइट्रोजन प्रोडक्ट। तो देखिए, यूरिया जो है वो बॉडी में रिटेन होता है ह्यूमन बींग की, और क्या बनाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि एक टेक्निक है किडनी की, ताकि यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो सके अगर पर्सन कम वाटर ले रहा है तो कंडीशनल जो है ये होता है। तो ऑस्मो रेगुलेटर और चीफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव करने के लिए, यानी एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों के लिए यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट आर द एलिमिनेटेड मेनली एज, कैसे एलिमिनेट होता है, तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। यूरिया इन एडल्ट फ्रॉग, यूरिया एडल्ट फ्रॉग और टोड में क्या बनता है, यूरिया और अमोनिया इन टैटपॉल। उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू द मोड ऑफ एक्सक्रीशन बोनी फिशेज आर, तो अमोनोटेलिक हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टेस्टियल एनिमल मस्ट एबल टू कंजर्व वाटर, टेस्टियल एनिमल को कंजर्व करना है वाटर, इसीलिए वो टेस्टियल हुए हैं, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। नाउ कम टू यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, ये हम लोग प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं कि बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स और एक लैंड स्नेल जो है कौन है, यूरिकोटेलिज्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड हमने पढ़ा है, इन सम ऑर्थोपॉड्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। द येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन, ये हम अब करेंगे आगे। एंड द एक्सक्रीटी मटेरियल ऑफ द बोनीफिश इज अमोनिया, बोनीफिश में अमोनिया है, यूरिया है आपका इसमें आपका कार्टिलेजिनस फिशेस में। देन कम टू द एक्सक्रीटी मटेरियल ऑफ द बोनीफिश इज अमोनिया एंड द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाय द यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया क्या होते हैं, दे ऑल आर नाइट्रोजनस वेस्ट, सही है। दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सब में ही लार्ज अमाउंट है, यूरिक एसिड को बहुत कम पानी चाहिए। दे ऑल आर इक्वली टॉक्सिक, ये भी गलत है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द किडनी, तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसका है, एक्सक्रीटिक ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स है, मोस्टली इंसेक्ट्स का, ऑर्थोपॉड्स के में इंसेक्ट आते हैं और उसमें भी कॉकरोच का था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग, तो देखो एडल्ट फ्रॉग में भी यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है और आपके मैमल्स भी यूरियोटेलिक हैं, यानी ह्यूमन एंड, तो इसका डी वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्लड वेसल इन मैमल्स नॉर्मली कैरीज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये मैंने चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है पहले वाली वीडियो में, हिपैटिक वेन, क्योंकि अभी भी वहाँ पर बना है अमोनिया से यूरिया वहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो सबसे ज़्यादा हिपैटिक वेन में ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इस देखिए अभी मैंने सिर्फ दो पैराग्राफ आपको कराए हैं और दो पैराग्राफ में कितने सारे क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर नीट या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुके हैं।